हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी प्रियंका दानोले और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। गाइस, जेसीबी जा रही है, एक मिनट रुको, बस इसको जाने दो, बहुत आवाज आ रहा है। पहले तो इग्नोर दिस नोज रिंग, मैंने ऐसी वियर्ड सी क्यों पहनी है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे दो दिन पहले ही नोज रिंग गिर चुकी थी एंड वो होल चला ना जाए, इसके लिए मैंने उसको रात भर में उसको पहन के सोती हूँ, बाकी टाइम मैं पूरा दिन निकालती हूँ, मेरे को नहीं पसंद ये स्टाइल। सो एनी वेज गाइज, एक क्विक अपडेट, मैं अपने मामा के घर आ चुकी हूँ, चार दिन हो चुके हैं मुझे, एंड मैं चिल करने के लिए आई हूँ, कोई पर्सनल रीज़न नहीं है। और मैं एक महीने से इनएक्टिव भी थी, यूट्यूब पे कोई वीडियोस पोस्ट नहीं हो रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं लेज़ी हो गई थी, और कुछ रीज़न नहीं है उसका। सो एनीवेज गाइस, आज का दिन मैं कैसे स्पेंड करूँगी मैं व्लॉग में यही बताने वाली हूँ। तो अभी फटाफट फ्रेश होकर मैं जिम के लिए निकलने वाली हूँ। एंड गाइज, मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन में स्टोरेज फुल हो गया था, तो वीडियोज़ भी डिलीट हो चुकी थी, मैंने ही रिसेंटली डिलीट करके गलती कर दी थी। एनीवेज गाइज, आई एम ट्राइंग टू शूट डेली व्लॉग, ट्राई करूँगी मैं। तो यस गाइज, चलते हैं, फटाफट फ्रेश होते हैं, जिम के लिए निकलते हैं एंड आज के अपडेट्स आपको देते रहते हैं। जिम जा रहे हो, जिम कहाँ चालू है या पर्सनल ट्रेनिंग है? नो गाइज, ये एक बिल्डिंग में ही जिम है एंड ये मेरी मामा की जिम है। तो एनीवेज गाइज, मैं एक महीने से जिम नहीं कर रही हूँ, एक महीने से मेरा वर्कआउट भी बंद है, तो मैं आज पूरा बेसिक सर्किट ही करने वाली हूँ। तो टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स स्टार्ट विद द वर्कआउट। एंड ऑल्सो गाइज, मैं यहाँ पे जब आई हूँ, मेरे को चार दिन हुए हुए आए हुए मेरे को चार दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए, तो मेरा कुछ प्लान नहीं था जिम मैं यहाँ पे आके वर्कआउट करूँगी या कुछ भी, बट मेन बात मैं अपने शूज़ लाने यहाँ पे भूल गई हूँ। तो गाइज, वर्कआउट हो चुका है एंड आज जिम में ये टाइम पे कोई रहता भी नहीं ज़्यादा, तो मेरे को शूट भी करना था, टिंग, इसके लिए मैं टाइम पे आ गई हूँ। तभी जाते हैं घर पे, पोस्ट वर्कआउट लेते हैं एंड फिर दिखाते हैं आपको आगे क्या चल रहा है, आज मैं आज क्या करने वाली हूँ। बेस्ट प्रोटीन
तो गाइस अभी फटाफट फ्रेश होते हैं, देन आपको लंच में मिलते हैं। चलो चलो चलो। सो गाइस अभी बात करके हो चुका है, मुझे बाल धोने थे लेकिन लेजी ट्यूसडे, लोगों के लेजी मंडेज होते हैं, मेरे लेजी ट्यूसडे भी होता है। एनीवेज गाइस अभी लंच करते हैं, चलो। गाइस अभी हो रहे हैं 4:30 एंड मैं अपने यहाँ पे, मैंने एक फ्रेंड भी बना लिया न्यू, तो मैं उसके साथ रील्स वील्स बनाने के लिए आई हूँ। सो हाय ब्रो, हाय। ये है कशिश, इंस्टा पे उसको फॉलो भी करना, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस बेसिकली हम लोग टेरेस पे ही आए रील्स बनाने के लिए, ज़्यादा हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते, तो देखते हैं आगे क्या करने वाले। अभी बहुत रील्स बना लिए, मज़ा आया, लेकिन अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई तो अभी रिटर्न आ गई हूँ मैं घर पर एंड अभी मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी। So let's make सॉरी। अभी हो रहे 9 PM एंड मैं इतनी देर से मतलब फ्रेंड्स के साथ थोड़ा कॉल पे बात किया, बहुत मज़ा आया एंड मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैं ये टाइम पे वही करती हूँ। सो एनीवेज अभी 9 PM हो रहे हैं एंड मैं मामी के घर जा रही हूँ, मतलब रूम नंबर 2 में जा रही हूँ डिनर करने के लिए। तो लेट्स गो एंड गाइज इसको प्लीज इग्नोर करो, मुझे कुछ बोलना मत, गाउटी लग रही है, थैंक यू सो मच बोलोगे तो भी, बट मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ, ज्वेलरी शॉप कोई ओपन नहीं, लेकिन ये होल ना चला जाए, बाद में पेन होगा अगर मैंने होल वापस नया बनाया तो। एनीवेज गाइज अभी चलते हैं मामी के घर, चलो। बनाया एंड ये भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है। तो एनीवेज गाइस थैंक यू सो मच मामी मेरे लिए बनाने के लिए, आई लव यू सो मच। सो गाइस अभी वहां से मैं आ चुकी हूँ एकदम यम यम डिनर करके, तो अभी घर जा रही हूँ यहाँ पे, मतलब रूम नंबर 1 पे नम्मो को खाना खिलाने के लिए। तो लेट्स गो। Subscribe to my channel. Bye bye guys, have a nice day. Thank you for all your love and support. Bye guys.